चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें चाहिए हम सब के बीच उपस्थित है। दुनिया में हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत में हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं राघवेंद्र सर, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस युवाओं के हौसले को जिन्होंने पंख दिया है, जो उड़ने का हौसला दिया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, और हम सबके बीच हम सब जो देख रहे हैं, जो आपको ब्लू ड्रेस में दिख रहे हैं और येलो ड्रेस में देख रहे हैं और रेड ड्रेस में देख रहे हैं, ये खूबसूरत नजारा, ये कोई भारत का जो भी आप जैसा कि देखते रहे, जो गेम कॉमनवेल्थ गेम हो गया या क्रिकेट की ग्राउंड की बात करूं, ये वो बच्चे सब कुछ, वो ग्राउंड नहीं है, ये सड़क है। ये बच्चे जो ये सड़क पे खड़े होकर के सुबह को 7 बजे से लेकर के ये पैदल मार्च कर रहे हैं, साइकिल मार्च कर रहे हैं, लगभग इन्होंने 15 किलोमीटर की जो यात्रा तय की है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ये चाहिए, खेल का मैदान चाहिए। आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स यानी कि शिक्षा में भी जिस तरीके से बिहार अभी भी पैमाने पे जो कि पीछे है, और मैं जिले की बात करूं, बहुत ऐसे जिले भी हैं जहां 50% एजुकेशन है, और आज वहां पे देखा जाए आज कहीं ना कहीं हमारा बिहार न कोई क्रिकेट का एसोसिएशन है, ना मैदान है, जो बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो कहीं ना कहीं यहां बिहार के प्लेयर भी बहुत कम है। तो यहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी मांग रखी है खेल के मैदान के लिए, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें सरकार जो कलम शिक्षा स्कूलें सब कुछ दे रही है, उस धरातल स्तर पे एक खेल का मैदान भी होना चाहिए। ये वही बच्चे हैं जो सड़कों पे आगे ये देश के सरहदों पर जो फौज में जाते हैं, कोई ना कोई अपनी सेवा देते हैं, कोई नेवी में, अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि जो भारत में जो सड़क जो है ये मौत की सौदागर हो गई है, ये वही सड़कें हैं जो विश्व के मानचित्र पे पहले स्थान पे आती है मौत के सौदागर में। इन बच्चों के पास जब खेल का मैदान नहीं होता है तो ये सड़कों पे सुबह में दौड़ लगाते हैं ताकि प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये देश के सरहदों पर जाने के लिए तैयार हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसका नतीजा ये होता है कि आज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के मैं जब बात करूं, ऐसे न जाने कितने हजारों बच्चों की सड़क दुर्घटनाओं पे मौत हो जाती है, जो कि उन्हें नहीं पता है कि वो देश के सरहदों पर लड़ने के लिए वो दौड़ लगा रहे होते हैं, लेकिन पीछे उनका मौत का रास्ता जो है, जो मौत पीछे सब कुछ दौड़ती है, और कहीं ना कहीं से सड़क दुर्घटना में जो मौत हो जाती है। तो आज इस बिहार के अंदर जो कैमूर जिला जो सिसौड़ा पंचायत के अंदर इन बच्चों ने, सभी पंचायत के जो बच्चे हैं इनका जो नेतृत्व भी कर रहे हैं ये प्रदीप मास्टर जी, इन बच्चों को लेकर के खेल के मैदान के लिए वो चीजें इन्होंने मांग रखी हुई है ताकि ये बच्चे अपना भविष्य पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी कहीं ना कहीं अपना देश के सरहदों पर लड़ने के लिए योगदान दे सकें, ताकि आने वाले भारत में जो मेडल की भी लाइन लगे, कहीं ना कहीं पदक ले, विजेता बने। आज वही चीज लेकर के ये चाहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, जो सड़कों पे जो मांगे चल रही है गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के प्रशासन तक और सरकार तक जाए, ताकि कहीं ना कहीं इनके मांगे पूरी की जाए। तो आप देखिए ये बच्चों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके जूते में, मैं देख रहा था इनके पैरों में जूते भी नहीं है, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन इनको चाहिए तो चाहिए खेल का मैदान भी। अगर ये वैसे सरकार राजनीति तौर पर लोग ध्यान इसलिए नहीं देते कि बच्चे बहुत 18 वर्ष के एज के भी नहीं है, अगर यही 18 वर्ष के एज के रहते हैं तो बच्चे कहीं ना दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी कोई वो एक बड़े स्तर पे नौकरी करने के लिए नहीं जाते हैं, जबकि इंडस्ट्री के लिए आप जैसा देखते हैं कि कोरोना जो आपदा आई थी तो सड़कों पर सिर्फ दिखा था, सिर्फ मजदूर दिखा था। ये कहीं अगर आज बच्चों को अगर शिक्षा, अगर स्पोर्ट का मैदान नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं भारत में अगर ऐसे भी जो महामारी आएगी तो मजदूर वाली लाइन में ये बच्चे आकर के खड़े आ जाएंगे। लेकिन जो कोरोना जो महामारी आई थी उस चीजों को देखते हुए ये चाहते हैं कि हमारे पास भी खेल का ग्राउंड हो, हम शिक्षा के माध्यम के साथ साथ अपना जो अस्तित्व है वो मजबूत कर सके, खेल के मैदान के साथ दिखा सके। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस सोशल मीडिया के माध्यम से इस पंचायत के भी लोग भी बहुत सारे डिजिटल हो गए, मैं देखता हूँ कि जिन्होंने पढ़ाई में भी पीछे रहे लेकिन सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करते हैं ताकि इन बच्चों के लिए शेयर करें, जो इनकी आवाज़ है ये वहां तक जा सके, और बहुत जल्द से जल्द जो सिसौड़ा पंचायत के अंदर खेल का मैदान।